मतलब ये तो ऐसे लग रहा था जैसे अफगानी चाहते हैं कि इंडियंस के रिकॉर्ड्स बनवाए जाएं। देख के मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिली है, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द कैप्टन, फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टीम राशिद, कि वो अपने इंटरव्यू में दोनों ने बात कर ली और अच्छी बात की है, लेकिन विराट कोहली कभी T20 का बेहतरीन प्लेयर नहीं रहा। और एक थोड़ी सी हैरान कुन बात थी कि जो कलर हमें कल अफगानिस्तान का नजर आ रहा था वो आज नहीं नजर आया, वो क्या वजह थी? खासा फ्रेंडली सा था ये पूरा मैच, ऐसे लग रहा था कि बस गली बॉयज खेल रहे हैं एंड बहुत खुश हैं एक दूसरे से। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडियम बात हो रही है विराट कोहली के शानदार शतक के बारे में। दोस्तों विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार 122 रन बनाए, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी जलन हो रही है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अफगानिस्तानियों ने जानबूझकर विराट कोहली को शतक बनवाया। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो इनके बीच काफ़ी फाइट हो रही थी, लेकिन भारत के साथ काफ़ी दोस्ती की तरह रह रहे थे। तो दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी जलन हो रही है, तो चलिए देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन। इस पर क्या डिस्कस करेंगे, विराट कोहली के एक रन हैं और भुवनेश्वर कुमार के 5 विकेट हैं, वो देख लेते हैं। बस यही है, बट फायदा क्या हुआ ना, पॉइंट तो नहीं मिले। नहीं मैं ये कह रहा हूँ इंटेंट की, देखो हेडलेस है, हेड नहीं है ना आज के, आज तो प्रेशर था ही नहीं, दिमाग की जरूरत ही नहीं है, जैसा मर्जी खेलो, फ्रेंडली गेम है तो ये इतनी फ्रेंडली हम बाहर हो जाते हैं, हम भी फ्रेंडली खेलते नहीं हम भी फ्रेंडली नहीं खेलते, हम कोशिश करते हैं। मतलब ये तो ऐसे लग रहा था जैसे अफगानी चाहते हैं कि इंडियंस के रिकॉर्ड्स बनवाए जाएं। एक के मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिली है, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द कैप्टन, फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टीम राशिद, कि वो अपने इंटरव्यू में जनाब आज का मैच डेड ड्रॉप अ गेम, बट ऑब्वियसली दोनों टीमें कितनी सेटल थी अपने साथ इसका हमें अंदाजा हो गया आज। और एक थोड़ी सी हैरान कुन बात थी कि जो कलर हमें कल अफगानिस्तान का नजर आ रहा था वो आज नहीं नजर आया, वो क्या वजह थी? खासा फ्रेंडली सा था ये पूरा मैच, ऐसे लग रहा था कि बस गली बॉयज खेल रहे हैं एंड बहुत खुश हैं एक दूसरे से। एनीवेज हम इस पर बात करेंगे कि आज थोड़ा सा एम्बियंस जो ओवरऑल स्टेडियम के अंदर था, ग्राउंड में था, वो खासा डिफरेंट था, क्यों था, क्या वजूहत थी, दोनों टीम्स खासी एक दूसरे से सेटल्ड नजर आ रही थी, क्या बात थी। तो दोस्तों देखा हमने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आखिर भारत और अफगानिस्तान के प्लेयर एक दूसरे के साथ इतने फ्रेंडली क्यों थे, लेकिन अफगानिस्तान के प्लेयर्स पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ इतना झगड़ा क्यों कर रहे थे। तो दोस्तों इसी पे पाकिस्तानी मीडिया ने अपना रिएक्शन दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों विराट कोहली के शतक के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।